पहले ऐसे घास को सुखा करके भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। हेलो गाइस, नमस्ते फ्रॉम नमस्ते गढ़वाल की इन हसीन वादियों से। तो आज का जो सफर है वो कुछ ऐसा है कि आज मैं जाने वाला हूँ गांव में, जो चाय पत्ती का प्लांटेशन है वो हो रहा है। जो चाय पत्ती है उसको नया उगाया जा रहा है, उसके पौधे को बनाया जा रहा है बीज से। तो आज मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे जो चाय पत्ती है वो बनाई जाती है। और मेरे साथ है अतुल चौधरी, और इनका बर्थडे है आज, तो इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ ये अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करें। तो चलिए गाइस, चलते हैं आज, और आपको कुछ पीछे के व्यूज दिखा देता हूँ कि कैसा यहाँ से दिखाई दे रहा है पहाड़ों के सुंदर से दृश्य, और उन बारे में बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो दृश्य बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और आपके आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जो हमारे गांव की प्राथमिक विद्यालय है उसके पास से, और सामने है जो डिंडिया जाने का रास्ता है। डिंडिया गांव है जो है यहाँ ऊपर, तो वहाँ जाने का रास्ता है। तो उस रास्ते पे वहाँ पे लोगों के खेत है, तो वहाँ पे जो चाय पत्ती का प्लांटेशन हो रहा है, और आज हम जाने हैं वाले हैं उस साइड। और यहाँ से नीचे है चंद्रमती नदी, तो जो नदी के काफी अच्छे से व्यू है, काफी बेहतरीन व्यू है, तो यहाँ से काफी खूबसूरत लगती है। और नदी के कारण काफी ठंडी हवाएं चलती है, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा ठंड होती है पहाड़ों में। तो यहाँ से मतलब काफी ठंडी हवाएं हैं, और यहाँ है खेत, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये खेत हम लोगों के हैं, बट जो सामने वाले खेत हैं जिनमें आपको हरे कलर के टेंट दिखाई दे रहे हैं, तो वो है कंसली गांव वालों के खेत, और वहीं पे चाय पत्ती का प्लांटेशन हो रहा है। तो आज हम वहाँ पे जाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि जो चाय पत्ती का प्लांटेशन है वो कैसे होता है और क्या क्या लोग उसमें करते हैं। तो तब तक आप मजे लीजिए इन ब्यूटीफुल से व्यू का। तो ये है यहाँ पे अरवी, और आपको दिखाई दे रही हूँ, और यहाँ पे लोग अरवी निकालने आते हैं, तो यहाँ से अरवी ले जाते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो एक वीडियो में अरवी की एक डिश बनाऊंगा, तो जिस दिन अरवी की डिश बनाऊंगा उस दिन आपको जरूर दिखाऊंगा कि जो अरवी की डिश है वो कैसी बनाई जाती है। और अभी हम जा रहे हैं जो चाय पत्ती का प्लांटेशन देखने। तो रास्ता है यहाँ से, और इधर से आगे चल के फिर चलेंगे हम चाय पत्ती के खेतों की ओर। और रास्ता है यहाँ से, तो यहाँ से चलते हैं और फिर देखते हैं। और चंद्रमती नदी के कुछ सुंदर से दृश्य। कोई हमको आवाज दे रहा शायद ऊपर से, कोई हमको शायद आवाज दे रहा ऊपर से। तो चाय पत्ती के पेड़ ऐसे इनको खोद के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और फिर ये बांस की लकड़ियां खड़ी करके इनके अंदर चाय पत्ती का प्लांटेशन किया जाता है शायद। तो काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। इसमें जो मिट्टी रखी गई है वो बिल्कुल छान के रखी गई है, और पहले ऐसे घास को सुखा करके भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, और उसके बाद ऐसे प्लास्टिक की पन्नियों में मिट्टी भरी जाती है, और इनमें शायद इन्होंने बीज लगा दिए होंगे, जो जिनमें लगा दिए थोड़ा उनमें जाके चेक करते, और उसके बाद हमें पता चलेगा। पर वहां से जाना कहाँ है। ए यहाँ दराती भी है, और अरे ये तो बंद है चारों तरफ से, अब यहाँ जाना कैसे अंदर। अबे चारों तरफ से बंद है, अबे ये तो चारों तरफ से बंद किया गया है। चाचा आ रहे हो आप अंदर? नहीं। ओ तेरे की। तो इधर किया गया है प्लांटेशन। ओ ओ ओ ओ, 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 ओ
तो ये प्लांटेशन किया गया है और यहाँ पे चाय पत्ती का जो बीज लगाया गया है जिससे कि पौधे हो और काफी अच्छा है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे चाय पत्ती का प्लांटेशन किया जाता है और ये वाला हम खुला रखा था, तो ये तुमने ये वाला नहीं देखा? देखा तो तुमने तो बोला यहाँ वाले में जाना है। अरे थोड़ी रोक अरे 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 तो ये है चाय पत्ती का प्लांटेशन। तो ऐसे चाय पत्ती को उगाया जाता है और तो फाइनली आज जो मैंने आपको बताया कि चाय पत्ती का प्लांटेशन कैसे होता है, और मैं हूँ जो डिंडिया जाने का पुल है वहाँ पे, और मेरे पीछे है चंद्रवती नदी। तो ये भी आपने पहले ब्लॉगों में देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अभी जो पहाड़ों पे है सनसेट का टाइम है, शाम हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है, तो कुछ आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। और अतुल चौधरी को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद तो भगवान से मैं यही उम्मीद करूंगा कि अपने हर जो इन्होंने सपने लेके चले हैं कि लाइफ में ये अचीव करना है, तो वो चीज़ ये अचीव करें और उनको वो चीज़ बहुत जल्द मिले। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा गाइस, और मिलता रहूँगा ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉगों के साथ, नई नई लोकेशंस के साथ, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहूँगा पहाड़ों की। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहिए गाइस। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।